again, you are a good cricketer, I agree, but you are not a good coach. Ye to sabne dekh liya. He was unnecessarily putting pressure on the players, disrespecting Babar Azam, and was trying to be a dictator, jis tarah chief martial administrator hota hai. Ye saron ko ek hi stick se jo hai wo carry kar raha tha. He's zero. I'm sorry to say, he never deserved to be even close to Pakistan's dressing room. को जो उन्होंने तंग किया था उसके ऊपर हफीज का बरकरार रखना मुश्किल था। और मोहसिन नकवी के बारे में मैंने आपको बोला था कि वो ये सोचते हैं कि वो लोकल कोचेस को नहीं रखेंगे, वो गैर मुल्की कोचेस को पाकिस्तानी टीम के साथ तैनात करेंगे ताकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर ये जो प्लेयर्स के साथ कोचेस की और कोचेस की प्लेयर्स के साथ जो चप क्लैश होती है इसका खात्मा होना चाहिए। इसलिए नजम सेठी ने गैर मुल्की कोचेस रखे थे। हालांकि हम नजम सेठी के उस फैसले को तनकीद करते रहे कि उसने मिकी ऑर्थर जैसा बंदा जो कि किसी काउंटी के लिए काम कर रहा है और पार्ट टाइम पाकिस्तानी टीम के लिए आ रहा है वो भी पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह था। तो अब फाइनली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मोहम्मद हफीज को थैंक यू वेरी मच बोल दिया है, उनको घर भेज दिया है। आई होप कि अगर फॉरेन कोचेस की तरफ वो जा रहे हैं तो ऑयन मॉर्गन जैसे या जस्टिन लैंगर जैसे आपके लोग कोचेस वो अवेलेबल हैं उनके साथ ही अगर रब्ता करें, स्पेशली जस्टिन लैंगर, तो मुझे लगता है वो ज्यादा फायदा हो सकता है क्योंकि काम करेगा ऑस्ट्रेलियन कल्चर। ऐसे प्रोफेशनल लोग कैसे काम करेंगे? अभी तक आपकी हुकूमत कोई नहीं बनी, नहीं आपको पता नहीं है कि कौन आ जाएगा, कौन आगे चेयरमैन चुक देगा, कौन आगे कोच चुक देगा, पता ही कुछ नहीं है। जय हिंद दोस्तों, इंडियन क्रिकेट न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। पहले मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन बने और उन्होंने अपने हिसाब से चेंजेस करना शुरू कर दिए। कोई कह रहा है कि वो फिर से बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया कप्तान बनाना चाहते, पर उन्होंने एक डिसीजन जो कि ऑन द स्पॉट लिया वो है मोहम्मद हफीज को पाकिस्तान क्रिकेट टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उन्होंने उनका कॉन्ट्रैक्ट जो कि डायरेक्टर पोजीशन का था उसको कैंसिल किया और कहा कि हम कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है कि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको रिन्यू करें। वहीं पर मोहम्मद हफीज के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए गए थे। मोहम्मद हफीज ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दौरे में जो मनमानी की थी उसकी शिकायत पाकिस्तान के सभी प्लेयरों ने पीसीबी से की, और जैसे ही मोहम्मद हफीज ये दौरे के बाद पाकिस्तान लौटे उन्होंने भी पाकिस्तान के प्लेयरों की शिकायत की और पाकिस्तान बोर्ड ने ये देखा कि इनकी दोनों के बीच में कुछ अच्छा चल नहीं रहा है और इसलिए पाकिस्तान टीम को यही ठीक होगा कि मोहम्मद हफीज को बाहर का दरवाज़ा दिखाया जाए और अब पाकिस्तान टीम का नया कोच कोई बाहर का होगा। मोहसिन नकवी का कहना है कि हम फॉरेन कोचेस को पाकिस्तान टीम के लिए लाना चाहते हैं और इसका ऐलान पाकिस्तान सुपर लीग खत्म होने के बाद ही होगा। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। तो हफीज को क्यों छुट्टी करा दी गई है, क्या वजह बनी है जनाब? क्या किया था उन्होंने? हाँ जी, तो रखा गया व्हाट हैड ही डन फॉर पाकिस्तान टीम? ही वाज वर्स्ट काइंड ऑफ अ डिक्टेटर, नथिंग एल्स। ही हैज जीरो एक्सपीरियंस। देखिए, यू आर अ गुड क्रिकेटर, आई एग्री, बट यू आर नॉट अ गुड कोच, ये तो सबने देख लिया। ही वाज अननेसेसरली पुटिंग प्रेशर ऑन द प्लेयर्स, डिसरिस्पेक्टिंग बाबर आजम, एंड वाज ट्राइंग टू बी अ डिक्टेटर, जिस तरह चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर होता है। ये सारों को एक ही स्टिक से जो है वो कैरी कर रहा था। ही जीरो। आई एम सॉरी टू से, ही नेवर डिजर्व टू बी इवन क्लोज टू पाकिस्तान्स ड्रेसिंग रूम, इन अ कोचिंग कैपेसिटी की बात कर रहा हूं, नॉट एज ए प्लेयर। तो भाई जान माजरत के साथ, वर्स्ट, ये मिसबा से भी बदतरीन था, ये वकार यूनुस से भी बदतरीन था, और शुक्र है कि ये खत्म हुआ। हफीज ने जाके जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कायम मकाम चेयरमैन शाह खावर को जो प्लेयर्स की शिकायतें लगाईं और जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सीरीज में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स
को जो उन्होंने तंग किया था उसके ऊपर हफीज का बरकरार रखना मुश्किल था। और मोहसिन नकवी के बारे में मैंने आपको बोला था कि वो ये सोचते हैं कि वो लोकल कोचेज को नहीं रखेंगे, वो गैर मुल्की कोचेज को पाकिस्तानी टीम के साथ तैनात करेंगे ताकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर ये जो प्लेयर्स के साथ कोचेज की और कोचेज की प्लेयर्स के साथ जो चप क्लैश होती है इसका खात्मा होना चाहिए, इसलिए नजम सेठी ने गैर मुल्की कोचेज रखे थे। हालांकि हम नजम सेठी के उस फैसले को तनकीद करते रहे कि उसने मिक्की आर्थर जैसा बंदा जो कि किसी काउंटी के लिए काम कर रहा है और पार्ट टाइम पाकिस्तानी टीम के लिए आ रहा है वो भी पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह था। आई होप कि अगर फॉरेन कोचेस की तरफ वो जा रहे हैं तो ऑयन मॉर्गन जैसे या जस्टिन लैंगर जैसे आपके लोग कोचेस वो अवेलेबल हैं उनके साथ ही अगर रब्ता करें स्पेशली जस्टिन लैंगर तो मुझे लगता है वो ज्यादा फायदा हो सकता है क्योंकि काम करेंगे ऑस्ट्रेलियन कल्चर ऐसे प्रोफेशनल लोग कैसे काम करेंगे। अभी तक आपकी हुकूमत कोई नहीं बनी नहीं, आपको पता नहीं है कि कौन आ जाएगा, कौन आगे चेयरमैन चुक देगा, कौन आगे कोच चुक देगा, पता ही कुछ नहीं है। तीन दिन बाद खबर क्लियर हुई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को प्रेस रिलीज करके ट्वीट करके ये फैंस को बताना पड़ा कि हफीज जो है वो अब पाकिस्तान टीम के हेड कोच नहीं रहे हैं। हफीज को जका अशरफ ये सोचता था कि मैं चेयरमैन पीसीबी बन जाऊंगा और हफीज को चार साल तक के लिए रखूंगा, लेकिन हफीज सरवाइव नहीं कर सका है। हफीज के अपने अंदाज काम करने का अंदाज उसको ले डूबा है। एक तो उसके पास तजर्बा नहीं था, ना उसने कभी पाकिस्तान के अंदर क्लब लेवल की कोचिंग की हुई थी, स्टेट की या फ्रेंचाइज क्रिकेट की या प्राइवेट लीग की उसने कहीं कोचिंग नहीं की हुई थी, और उसको उठा के पाकिस्तान क्रिकेट टीम का टीम डायरेक्टर भी लगा दिया, हेड कोच भी लगा दिया, बैटिंग कोच भी वही साहब थे। तो उससे क्या हुआ कि प्लेयर्स जो है ना वो तंग होना शुरू हुए और अब हफीज साहब को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थैंक यू वेरी मच ही कहना पड़ा है। दूसरी चीज़ ये है कि ये मोहसिन नकवी साहब का फैसला इसलिए भी दुरुस्त है कि हमें गैर मुल्की कोचेज के साथ ही जाना चाहिए, हमने लोकल कोचेज को, मैं क्योंकि टीम की कवरेज करता रहता हूँ, आसपास होता हूँ, नज़र आता है कि ये प्लेयर्स को तंग करते हैं, नज़र आता है कि इनके प्लेयर्स के साथ मसले होते हैं, नज़र आ रहा होता है कि प्लेयर्स इनसे खुश नहीं है, कोचेज उनसे खुश नहीं है। गैर मुल्की जो कोचेज होते हैं वो अपना काम करते हैं, वो अपनी जॉब पर तवज्जो देते हैं, वो इस तरह की चीज़ों में नहीं पड़ते हैं जहाँ पर हमारे देसी कोचेज लोकल कोचेज देसी अंदाज के अंदर बॉस बन के मैं पुराना हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं सीनियर हूँ, मैं तुमसे पहले खेला हुआ हूँ, मुझे ज़्यादा पता है, आज के प्लेयर्स को कुछ पता नहीं होता है, इसीलिए ये लोग सर्वाइव ज़्यादा देर नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये सवाल उठ चले, ठीक है कटसी में पीसीबी ने इसका शुक्रिया अदा कर लिया, मैं आई वांट टू सी सम प्रैक्टिकल स्टेप्स, बोल्ड स्टेप्स टेकन बाय मिस्टर मोहसिन रजा नकवी। आई डोंट वांट के गरीब तबके को दबाया जाए, खुदू लगाया जाए, खाना बंद कर दिया, ये 10 लाख 20 लाख 50, भाई आप एक महीने में 4 लोगों को फारिग करें तो 1 करोड़ रुपया बचता है और वह चारों जीरो है, जीरो, दे आर जीरो। तो भाई बस करें, 4-4 मीडिया डायरेक्टर कोई कमाल हो रहा है, 6-6 जनरल मैनेजर, 8-8 डायरेक्टर, फलाना फलाना फलाना, बस करें यार, मैट्रिक फेल, अंगूठा छाप।